तो भाई क्या चल रहा है आज तेरा भाई बात करेगा एक लड़के की जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा चूतिया था, मतलब बिल्कुल ही लड़ जैसी शक्ल का यार, कोई फर्क नहीं। तुम अपना लड़ देख लो या उसको देख लो, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम। अब यार कई बार होता नहीं किसी किसी की शक्ल इतनी खराब होती है कि बस देखते ही चिड़ सी मचती है, मन करता पकड़ के दे ले इसके तो दो चार। तो बस यार ऐसा ही एक लड़का था जिग्नेश, जिसके साथ हमारी हो गई थी भयंकर वाली लड़ाई। तो अब बाकी की स्टोरी अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में। अब भाई जस्ट इमेजिन कि तुम दो और तुम्हारे सामने वाले 100। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे साथ, मैं और मेरा दोस्त और सामने जिग्नेश के लौंडे। अब यार आगे क्या हुआ उसे जानने से पहले अपन पीछे जाके ये जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो आज हमारे सामने लौंडे खड़े हैं 100 और हमारी फटके हो रखी है 2। तो भाई हम आए थे 10वीं में, फुल हाउबाजी, अलग ही नशे में चल रहे हैं हैंड चौथ, जैसे तो अभी एक आध को पकड़ के पीट देंगे। बस फील आ ही रही थी कि इतनी देर में पता चला पीटीआई गेट पे खड़ा है, जो कि पिछले 70 साल से हमें टाई पहनाने की कोशिश में है, पर आज भी हम दोनों में से किसी ने नहीं पहन रखी। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास टाई नहीं है, टाई तो बैग में है पर बांधनी नहीं आती, और पिछले 7 साल से टाई पहन रहे हैं, और यही रीज़न है कि हम आज भी सिंगल हैं। अब पता नहीं मेरे साथ वाले के क्या सड़क चढ़ी, बोला है तेरा भाई देख लेगा। अब भाई पे तो भरोसा करना ही था, पिटे तो साथ पिटेंगे, पर बहाना तो बहुत ही जुल्मी लगाया इसने, कह रहा कुतिया टाई लेके भाग गई। अब बताओ एक बार पूछ ही लेता यार, इससे तो कुछ अच्छा ही बता देता। खैर वैसे पीटीआई के आगे हमारे बहाने चलते नहीं थे। भाई एक बार नानी मारती थी, बुजुर्गे ने घर फोन करके पूछ लिया कि नानी मर गई क्या, अब बताओ ये भी कोई बात है। पर उस दिन हमारे चूतड़ों की किस्मत अच्छी थी कि एक नए एडमिशन के लिए पेरेंट्स आए हुए थे, सोचो कौन आया होगा, अपने जग्गू भाई उर्फ जिग्नेश। तो उस दिन पीटीआई ने हमको छोड़ दिया, पर पीटीआई का रोल यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसको याद रखना तुम्हें आगे मेन रोल में नजर आएगा ये। अब हमारे साथ जग्गू सर को भेज दिया उनकी नई क्लास में, जिसकी एक भी खिड़की में नहीं था कांच और बोर्ड ले रहा था अपनी आखिरी सांस। कोई टीचर क्लास में था नहीं तो हम जाके बैठ गए अपनी लास्ट बेंच पे, तो ये लोडू आके बोलता है साइड हो जा, तो मैंने कर दी मना, तो ऐठने लग गया मैं कि माँ चूदा नहीं बैठा रहा, 7 साल हो गए थे यार स्कूल में, ऐसे ही थोड़ी है। अब जग्गू भाई ने पकड़ ली कॉलर, बस मिल गया मौका, राहुल ने पकड़ कर गुद्दी दह मारा दीवार में, और लगे हाथ मैंने धर दी दो रेपटे। बाय द वे राहुल भाई है जिसकी टाई कुतिया लेके भाग गई थी। अब तुम्हें क्या लगता है क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, मैडम्स क्या देगा है ना, पर नहीं इसके दिमाग में जो चल रहा है ना भाई, यू कांट इमेजिन भाई, इसने प्रिंसिपल को सुसाइड नोट लिख दिया हमारे नाम का कि हम इसे परेशान करते हैं तो ये स्कूल की छत से कूदने जा रहा है। होना क्या था, अगले 10 मिनट में पूरा स्टाफ रूम हमारी क्लास में और सारे पूछ रहे हैं इसको कि आर यू ओके बेटा, मैं कि हमको भी बता दो यार हुआ क्या है। तो आ गई हमारी भी बारी, बुला लिया ऑफिस में, 10 मिनट में हमारे पेरेंट्स भी आ गए, और अगले 3 घंटे जो हुआ भाई ट्रस्ट मी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गाली थप्पड़ लात घूसे डंडे सरिये की रोड ट्यूबलाइट ईंट पत्थर हथौड़ा ड्रिल मशीन, जब सारे कार्यक्रम हो लिए तो हमको भेज दिया क्लास में, पता नहीं क्यों पर नहीं किया रेस्टिगेट, 2 पीरियड बचे थे। तो ऐसा नहीं कि हम बैठ के क्लास में रो रहे हैं, हम हंस हंस के अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। राहुल बोलता है तेरे को पता है जिग्नेश का सच चूतिया है भाई, हमने इसको सीट पे नहीं बैठाया, प्रिंसिपल को सुसाइड नोट लिख दिया इसने। तो ऐसे ही सबको बताते बताते हो गई छुट्टी, मतलब सबको जानना था कि हुआ क्या है, यहाँ तक कि टीचर्स भी फुल इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई माँ चुदा गई। तो यार अब सारे दिन स्ट्रगल करने के बाद हम पहुँचे घर, और कुछ ऐसा हुआ जैसे सोचो एकदम से तुम्हारे साथ लड़ लुक जाए, मतलब बिल्कुल ही समझ से बाहर, सब कुछ नॉर्मल था। तो मैंने पूछा, पता चला उस लड़के का पिछले स्कूलों में भी यही रिकॉर्ड है। तो अगले दिन हमने स्कूल में जाते सबसे पहले जग्गू सर का एक और नाम निकाल दिया, दिस सुसाइड मैन। पर यार हमको एक चीज़ समझ में आई थी कि इस बाबलीगण आदमी से दूर रहने में ही भलाई है, पर ये खामे खामे होता भाई चेप, क्या ना कि इसको बनना था कूल और हमने तो वैसे ही स्कूल में नाम कर रखा था, तो भाई फालतू में पीछे घूमता रहता और हमको मचती इससे चिड़, एक तो इसकी शक्ल ऊपर से इसकी हरकतें। तो ऐसे ही 2 महीने बीत गए, और 2 महीने में 2 इंसिडेंट और हो गए। एक बार तो हम इसका हैंग क्यू चालू छाल के खेल रहे थे और मेरे से गलती से गया फट,
इतनी सी बात पे, सोचो इतनी सी बात पे इसने अपने बाप को बुला लिया और रुमाल वाली बात के साथ दो तीन बात जोड़ के ऐसा ही कुछ भी पेल दिया कि हम इसको पीटते हैं, जबकि हमने इस बार इसके हाथ भी नहीं लगाया था। पर जो भी हो, मैं था खुश क्योंकि रुमाल मेरे से फटा था, पर ऑफिस में हम खड़े थे तीन, राहुल, मैं और अमित। चलो राहुल ने तो इसकी फिर भी भरी क्लास में पैंट निकाल दी थी, पर अमित जिसने किया कुछ नहीं था, बस हमारा दोस्त था, हमारे साथ रहता था, इसलिए जिग्नेश जी ने इसका भी नाम ले दिया। तो हम दोनों ने तो अपने हिस्से के दो दो डंडे खाए, पर अमित ने चार खाए क्योंकि इसने जग्गू को उसके बाप के सामने थोड़ी तेज आवाज में बोल दिया था कि मैंने तेरे कब मार दी। पर जो भी है, हम जब वहां से निकले तो हमारी हंसी नहीं रुक रही थी क्योंकि भाई अपने सुसाइड मैन की माँ, बहन, बाप, बेटी की शक्ल सबकी एक जैसी, बिल्कुल कतई एक जैसी शक्ल, कतई जैसे बिन आंड के लंड। पर भाई ये पानी सर के ऊपर जा चुका था, तो अमित ने मेरे से बोला कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ से हम तीनों की प्लानिंग हो गई शुरू कि जग्गू सर को पिटवाना कैसे है जिससे सांप भी मर जाए और हमारी गांड भी ना टूटे। तो हमारा प्लान ये था कि मैं जग्गू सर की शर्ट के पॉकेट में हाथ डाल के उसे फाड़ दूंगा और फिर खुद की भी फाड़ दूंगा, जिससे मैं कह सकूं कि इसने मेरी फाड़ी तो मैंने इसकी फाड़ दी। और अगर ये हम तीनों से लड़ाई करने आएगा तो हम तीनों इसकी ढंग से सुताई कर देंगे। और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल ही रहा था, पर याद है मैंने तुमको शुरू में कहा था कि इस पीटीआई को याद रखना, ये तुम्हें आगे मेन रोल में नजर आएगा। तो हमारी फूटी किस्मत कि ये चला गया सीधा पीटीआई के पास। अब उसको सब पता था कि कौन कितना हरामी है, फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि वो मान जाए कि गलती जिग्नेश की है, उसने मेरी पॉकेट पहले फाड़ी तो मैंने उसकी फाड़ दी। पर एज यूजुअल आज भी हमारा बहाना नहीं चला और ऊपर से आज हमारे चूतड़ों की किस्मत भी खराब थी। तो एक बार फिर हम तीनों ने खा लिए डंडे, पर इस बार कुछ अलग हुआ। जग्गू सर हम तीनों को ढंग से पिटवाने के लिए प्रिंसिपल रूम में चले गए। अब प्रिंसिपल मैम इससे वैसे ही परेशान थी इसके रोज रोज के झमेले से, तो उन्होंने मान लिया कि जग्गू सर ने हमारी पहले फाड़ी फिर हमने इसकी फाड़ी, और फिर वही हुआ जो हम चाहते थे, जग्गू सर की ढंग से तुड़ाई हुई। और हमने ये बात पूरी स्कूल, शहर, शहर भी छोड़ो पूरे देश में फैला दी कि मैंने, अमित ने और राहुल ने जिग्नेश को पीट दिया। पर अभी तक हमको ये नहीं पता था कि जिग्नेश का कोई बड़ा भाई भी है जो कि शहर का घना बड्डा बदमाश है। तो उसी शाम जब हम फुटबॉल ग्राउंड में गए तो जिग्नेश का भाई जयराम गुजर अपने लोंडो के साथ आ गया और हम थे सिर्फ दो, सामने वाले लगभग 100। तो यहाँ तक हम कुछ इस तरह से पहुँचे। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। तो यार अब इस मामले में तो हम भी कम नहीं थे, तो हमने सबको जो बुरी तरह से पीछे छोड़ के भागे ना, खेतू खेत कते गोली गेट, कुल मिला के हम वहाँ से बच निकले। भाई 100-150 थे यार वो, और हमको साउथ के हीरो थोड़ी हैं। तो भाई वहाँ से भागना ही एक ऑप्शन था। और यार अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अब जिग्नेश तो कहता रहा कि हम उसके भाई के डर से भागे थे, पर कभी किसी ने ये बात मानी ही नहीं क्योंकि भाई स्कूल में हवा ही ऐसी थी हमारी। पर अब यार इस वीडियो के बाद हमारी सारी हवा बिगड़ जाएगी, तो अब तो लाइक कर दो यार, तुम्हारे लिए इज्जत लुटवा ली मैंने। और तुम अभी भी नहीं करोगे ना लाइक, तो यार तुम्हें ज़िंदगी में कभी सेक्स नहीं मिलेगा। तो यार अपने जीवन में सेक्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी नई कहानी के साथ।